तो क्लास 12 बायोलॉजी में मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज पाठ एक हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है जीवों में जनन। तो आइए सबसे पहले कुछ बातों का हम लोग देखते हैं। देखिए एक प्रश्न आता है कि जीवन चक्र क्या है, तो आप कहेंगे पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। सभी जीवों में जन्म के पश्चात वृद्धि, फिर परिपक्वता और जनन प्रवस्थाएं देखी जा सकती है। आयु बढ़ने के साथ साथ जीवों में शक्ति का ह्रास होने लगता है और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। यही सब जीवन चक्र कहलाता है। जीवन चक्र का मतलब आपने देखा, हमने जन्म लिया, फिर हमारे शरीर का वृद्धि हुआ, फिर हमारा शरीर परिपक्व हुआ, फिर हमारा शरीर जीवन जनन करने के लिए भाई वृद्धि किया, जनन करने के लिए उपयुक्त हुआ, उसके बाद अंत में वृद्ध हुआ, फिर शरीर कमजोर हो जाता है और अंत में हमारी मृत्यु हो जाती है। इस पूरे चक्र को हम लोग जीवन चक्र कहते हैं। उसके बाद से एक और आपका है जीवन अवधि या जीवन काल, तो ये भी देखते हैं। देखिए जीव के जन्म से मृत्यु तक की समा अवधि जीवन अवधि कहलाती है। आपने क्या देखा कि जीव के जन्म से मृत्यु तक की समा अवधि जीवन अवधि कहलाती है। विभिन्न जीवों की जीवन अवधि भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण, जीवाणुओं की जीवन अवधि कुछ घंटों से कुछ दिनों की, जबकि बरगद के वृक्ष के जीवन अवधि सैकड़ों वर्ष से लगभग 200 वर्ष की होती है। तो हमने जीवन अवधि को भी समझा कि व्यक्ति के जीवन से लेकर के मृत्यु तक की जो अवधि होती है, जो समय होता है, उसको जीवन अवधि कहते हैं। कुछ जैसे जीवाणु वगैरह जो होता है उसका जीवन अवधि कुछ मिनटों के लिए होता है, जबकि जो बरगद का वृक्ष होता है इसका जीवन अवधि लगभग 200 वर्षों तक होता है। आइए उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ जनन। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जाता है जनन क्या है और जनन के कितने भाग होते हैं। तो देखिए कह सकते हैं कि जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक और अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता जनन द्वारा ही संभव होती है। जनन द्वारा ही अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। हमने क्या देखा कि जनन बहुत जरूरी है। जनन के द्वारा जो होता है इस धरती पर, इस संसार में जो जीव होते हैं उसका निरंतरता बना रहता है। जनन के द्वारा हम अपने जाति को बचा सकते हैं, जनन के द्वारा अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सकते हैं, और वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। और जीवों में जनन की दो विधियाँ होती है। जीवों में जनन दो प्रकार के पाया जाता है। पहला होता है अलैंगिक जनन, जिसे हम लोग एकल जीव जनन भी कहते हैं। यानी एक बात क्लियर हो रही है कि अलैंगिक जनन में केवल एक जीव ही होता है। दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो आइए थोड़ा सा हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। देखिए आप कह सकते हैं कि इसमें एक ही जीव, यानी अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन में कह सकते हैं इसमें एक ही जीव अपनी समरूप प्रतिलिपियों उत्पन्न करता है। संतति आकृति अनुवांशिकी दोनों प्रकार से अपने जनकों के समान होते हैं। अतः अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतानों का पूर्व जनक या क्लोन कहते हैं। हमने क्या देखा, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है और उसका जो संतान होता है वो अपना आकार और अपना अनुवांशिक गुण अपने जो पूर्वज होते हैं उससे प्राप्त करता है। इसीलिए इसे हम लोग क्लोन भी कहते हैं। जीवों के विभिन्न वर्गों में निम्न प्रकार के अलैंगिक जनन की विधियाँ होती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अलैंगिक जनन की कितनी विधियाँ हैं, तो देखिए अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो देखिए पहला आपका है द्विविभाजन द्वारा या द्विविखंडन। तो अलैंगिक जनन का जो पहला विधि है उसका नाम है द्विविभाजन या द्विविखंडन। देखिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनन जीव अनुकूल परिस्थितियां आने पर दो समान भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से एक नई संतति का निर्माण होता है। इसमें जनक सदस्य की मृत्यु नहीं होती है, परंतु पृथक जीवन के रूप में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उदाहरण अमीबा, युगलीना इत्यादि। तो हमने देखा कि जो द्विविभाजन होता है, तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन में
जनक जीव अनुकूल परिस्थिति आने पर, माने अनुकूल परिस्थिति का मतलब जितना ताप चाहिए, जितना हवा चाहिए, जितना नमी चाहिए, वह परिस्थिति आने पर समान दो भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग एक नए संतति का निर्माण करता है। इससे जनक सदस्य की मृत्यु नहीं होती है परंतु पृथक जीवन के रूप में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जैसे अमीबा और इग्लेनिया। कई बार पूछा जाता है कि द्वि विभाजन या द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किन किन पदार्थों में, किन किन जीवों में पाया जाता है, तो अमीबा और इग्लेनिया बता सकते हैं। दूसरा विधि है बहुविखंडन विधि। आप देखिए, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो करके अनेक संतति जीवों को जन्म देता है, उदाहरण प्लाज्मोडियम स्पाइरोगायरा। यहाँ पर भी देखिए बहुविखंडन में, तो इसमें क्या होता है ना, एक जीव कई छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। द्विविभाजन में मात्र दो खंडों में टूटता है और बहुविखंडन में तो बहुत अधिक वह संख्या में टूटता है। अब एक और आता है जिसका नाम होता है मुकुलन, इसी को हम लोग कहते हैं कलिका निर्माण। तो तनिक मुकुलन देखते हैं जिसको हम लोग कलिका निर्माण भी कहते हैं। कहेंगे कि इसके दौरान जनन से नए जीव की उत्पत्ति और उदर्ग के रूप में होती है। यह उदर्ग मुकुल कहलाता है तथा यह क्रिया मुकुलन कहलाती है। कुछ समय पश्चात यह मुकुल जनक से पृथक होकर स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। उदाहरण ईस्ट जो होता है, देखिए एक कोश का होता है, हाइड्रा में बाह्य मुकुलन होता है। तो हमने मुकुलन में भी समझा था कि होता क्या है ना, इसके दौरान जनक से नए जीव की उत्पत्ति एक उदर्ग के रूप में होता है। यह उदर्ग मुकुल कहलाता है तथा यह क्रिया मुकुलन कहलाती है। कुछ समय पश्चात यह मुकुल जनक को पृथक होकर स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। जैसे ईस्ट एक उसकी होता है और हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। अच्छा चलिए, एक और आपका है जिसका नाम है बीजाणु जनन। तो देखिए, बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त अगुणित अलैंगिक जनक काय होते हैं। इसका निर्माण प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण करते हैं, जैसे चल बीजाणु, अचल बीजाणु, अंतः बीजाणु इत्यादि। तो हमने देखा कि बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त अगुणित अलैंगिक जनन काय होते हैं। इसका निर्माण प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण करते हैं, जैसे चल बीजाणु, अचल बीजाणु, अंतः बीजाणु इत्यादि। नोट में आप कह सकते हैं कि एक कोशिकीय पादप क्लाइडोमोनास में अलैंगिक जनन चल बीजाणु द्वारा होता है। उदाहरण याद हुआ ना, प्रश्न पूछा जाता है किसमें चल बीजाणु द्वारा जनन होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, क्लाइडोमोनास में अलैंगिक जनन चल बीजाणु द्वारा होता है। पांचवा आपका जो आ रहा है उसका नाम भी आप देख रहे हैं, पांचवा जिसका नाम है खंडी भवन। तो कह देंगे इस विधि में जनक पादप का शरीर दो या अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है। खंडी भवन का मतलब होता है इस विधि में जनक पादप का शरीर दो या अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक खंड पुनर्दभवन द्वारा नया जीव बनाता है। उदाहरण स्पाइरोगायरा और इलोथ्रिक्स मार्केंसिया इत्यादि। स्पाइरोगायरा बता सकते हैं खंडी भवन द्वारा और इलोथ्रिक्स बता सकते हैं। उसके बाद से एक और अलैंगिक जनन की विधि है, हम लोग अलैंगिक जनन की विधि पढ़ रहे हैं। आता है प्रश्न में सब ये कि पुनरुद्भवन क्या होता है, तो आप इसमें कह सकते हैं ना, किसी जंतु के किसी विभाग को काट कर समांतर नए जंतु की उत्पत्ति को पुनर्द्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। उदाहरण हाइड्रिया तथा प्लेनेरिया। याद करो, कहा गया कि किसी जंतु के किसी विभाग को काट कर समांतर नए जंतु की उत्पत्ति को पुनर्द्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। उदाहरण हाइड्रिया या प्लेनेरिया। उसके बाद से एक और चीज़ आता है जिसका नाम होता है कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन में कह सकते हैं कि उच्च श्रेणी के पादपों में कायिक अंगों या वर्धित भाग जैसे तना, जड़ या पत्ती द्वारा नए पादपों के निर्माण को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बात समझे, हमने कहा कि उच्च श्रेणी के पादपों में कायिक अंगों
या इसी को बर्धी भाग जैसे तना जड़ या पत्ती द्वारा नए पादपों के निर्माण को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इस जनन द्वारा देखिएगा कायिक प्रवर्धन के इस जनन द्वारा निर्मित संतति पादप प्राय आकृति या अनुवांशिकी में मात्र पादप के समान ही होता है। यह प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम विधि से ही भी हो सकता है। तो जो कायिक जनन होता है दो प्रकार के, प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो समझते हैं क्या होता है। तो हम देख रहे थे कि जो कायिक जनन होता है या कायिक जो प्रवर्धन होता है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो जा रहे हैं पढ़ने के लिए हम लोग, और एक कृत्रिम। तो पहले हम देखते हैं कि आखिर जो आपके कायिक प्रवर्धन क्या होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन ये जनन पादपों में स्वतः होता है। इसमें पादपों के कायिक भाग अनुकूल परिस्थितियों में उनसे अलग होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। और ये देखिए कि ये पादप के किन किन अंगों से जो होता है प्राकृतिक प्रवर्धन होता है। पहला आपका होता है मूसला जड़ों द्वारा। तो मूसला जड़ों द्वारा जब कह रहा है तो कह सकते हैं कि कुछ पादपों की मूसला जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो नया पादप बनाती है। तो प्रश्न आता है कि जो मूसला जड़ों द्वारा जनन कैसे होता है, तो कह सकते हैं कुछ पादपों की मूसला जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो नया पादप बनाती हैं, जैसे अमरूद, पोपल या मुराया, ये सब होते हैं। मांसल जड़ों द्वारा बाई फ्लैशी रूट्स, ये भी कह सकते हैं कुछ मांसल जड़ें भी अपस्थानी कलिकाएं द्वारा नए पादप का निर्माण करके कायिक जनन करती है। उदाहरण के लिए शकरकंद, डहेलिया और एस्पेरेगस, ये सब नाम याद होना चाहिए। उसके बाद से प्राकृतिक में तना द्वारा, तो देखिए तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन द्वारा नए पादप का निर्माण करते हैं। यानी इसमें दिखा रहा है कि जो तने होती हैं, तने अनेक प्रकार के रूपांतरित होकर कायिक जनन करती है। जैसे एक होता है भूमिगत तना, विभिन्न प्रकार के भूमिगत तने जो कायिक जनन करती है। एक होता है अभूमिगत तना में एक होगा प्रकंड, राइजोम, इसी को अंग्रेजी में राइजोम कहते हैं। देखिए इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भोजन का संचय होता है। पहले समझिएगा ध्यान से, इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भोजन का संचय होता है। इन पर कलिकाएं पाई जाती है जो अनुकूल परिस्थितियां में नए प्ररोहों को जन्म देती है और फिर नया संतति का निर्माण होता है, जैसे केला, अदरक, हल्दी, फर्न इत्यादि। यही प्रकंड होता है, जड़ों में पाया जाता है, तना में। उसके बाद एक होता है घनकंड, कह सकते हैं घनकंद में भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है, भूमि के ऊपर। कहता है कि घनकंद को अंग्रेजी में कॉर्न्स कहते हैं। भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। इसके वृत्तकार पर्वों पर उपस्थित कलिकाएं संतति पादप का निर्माण करती है, उदाहरण जिमीकंद, क्रोकस फेशिया इत्यादि। उदाहरण में जिमीकंद, क्रोकस फेशिया इत्यादि बता सकते हैं। घनकंद के बाद आगे आप चलेंगे तो एक और आता है जिसका नाम आप जान ही रहे हैं, कंद। कंद भी तना का एक भाग है जिसको अंग्रेजी में ट्यूबर कहते हैं। तो कंद के आपका तक पर्वों या आँखों में कलिकाएं पाई जाती है। कलिकाएं युक्त कंद अनुकूल वातावरण मिलते ही नए पादप का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए आलू वगैरह बता सकते हैं। इस समय जो पढ़ रहे हैं ना कैसे कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक जनन, और हम लोग तना द्वारा पढ़ रहे हैं तना के विभिन्न भाग को। एक होता है शल्ककंद, तो शल्क अंग्रेजी में इसको बल्ब कहते हैं। कह सकते हैं शल्ककंद भूमिगत संघनित प्ररोह है जिसमें एक या अनेक कलिकाएं पादप बनाती है, उदाहरण के लिए लहसुन, प्याज इत्यादि। इसके बाद से देखिए दूसरा जो विधि आता है उसका नाम होता है अर्धवायु तना, यानी अर्धवायु तना भूमि के समांतर क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है। इनकी पर्वसंधि से जड़ें और शाखाएं निकलती है, निम्नलिखित प्रकार की होती है। ऐसे जो जमीन है ना घास, ऐसे इसके ऊपर तना जो होती है ना ऐसे गति करते हैं। और इसमें एक होता है भू स्तरीय स्टोलन की तरह, इनकी शाखाएं छोटी और संघनित होती है और प्रत्येक दिशा में निकलती रहती है। स्ट्रॉबेरी जो होता है ना बहुत छोटी छोटी तनाएँ होती है और प्रत्येक इधर दिशा में जाएगी, इधर
चार दिशाओं में गति करती है। उसके बाद से अंतःभूविष्टारी, ये वायु प्ररोह के आधारीय भाग से निकल कर कुछ दूर तक मृदा के भीतर क्षति वृद्धि करती है, यानी ये जो माटी है ना, माटी के अंदर अंदर ये वृद्धि करती है, ठीक है। माटी का ऐसे ही नजर आ रहा है, अंतःभूविष्टारी का मतलब होता है कि जो अंतः माने अंदर की तरफ ये गति करती है, और तत्पश्चात नवीन वायु शाखा को जन्म देती है, जैसे पुदीना और क्राइसिंथियम, ये बता सकते हैं। उसके बाद से ऊपरी भूविष्टारी बता सकते हैं, तो ऊपरी भूविष्टारी में ये पतली हरी और क्षैतिज शाखाएँ होती है जो भूमि के ऊपर वृद्धि करती है। देख रहे हैं, ये पतली हरी और क्षैतिज शाखाएँ होती है जो भूमि के ऊपर वृद्धि करती है और शिखर के आधार से विकसित होती है, उदाहरण के लिए दूब घास, सेंटेला इत्यादि बता सकते हैं। उसके बाद से एक और आपका है ऊपरी भूविष्टारी व भूविष्टारिका, तो भूविष्टारिका में बता सकता हूँ, अंग्रेजी में इसको ऑफसेट कहते हैं, ये जलोद्भिद होते हैं, इनकी पर्व संधियों में पत्तियों का एक गुच्छा निकलता है तथा नीचे जड़ों का समूह पाया जाता है जो टूट कर नया पादप बनाता है, उदाहरण के लिए जलकुंभी, पिष्टिया इत्यादि आप कह सकते हैं। एक होता है वायु तना, कुछ मृदुभिदी जैसे नागफनी जिसको ओपेंसिया या इत्यादि भी कह सकते हैं, में मांसल प्रारंभ वृंत पाए जाते हैं, इनके प्ररोह का प्रत्येक खंड एक नए पादप के निर्माण में सक्षम होता है, गन्ने के प्रवर्धन हेतु पर्वयुक्त प्ररोह खंडों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पतियों द्वारा कैसे कायिक जनन होता है। तो देखिए, पतियों द्वारा अनेक पादपों की पतियों पर अपस्थानी कलिकाएँ पाई जाती हैं जो कायिक प्रवर्धन में सहायक होती है, उदाहरण के लिए आप बिगोनिया और ब्रायोफिलम इत्यादि लिख सकते हैं, यानी पतियों द्वारा ये जनन पाया जाता है। तो अब इसमें पत्र प्रकिलिकाओं द्वारा, तो पत्र प्रकिलिकाओं द्वारा ये बहुकोशिकीय मांसल कलिकाएं रूपांतरित पुष्प कलिकाएं होती है जिनके द्वारा कायिक जनन होता है। अब इसमें एक आता है जिसका नाम होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, तो आवृत बीजी पौधों में कृत्रिम रूप से कायिक प्रजनन तनों की कर्तन, रोपण, दाब लगाना आदि विधियों से कराया जाता है। तो अब आ रहे हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जो माने हम प्रयोगशाला विधि में बनाते हैं या फिर हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम लोग कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जिसमें पहला है कर्तन, कटिंग। अब देखिए होता क्या, तने की कर्तन नए मृदा में दबा दी जाती है, कर्तन के मतलब तने के किसी भाग को काट करके मिट्टी में इसको दबा दी जाती है, इनसे अपस्थानिक जड़ निकलती है और ये विकसित होकर नया पौधा बनाती है, उदाहरण के लिए गन्ना कर सकते हैं। तो तना के किसी भाग को काट करके हम लोग मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, धसा देते हैं, और जब मिट्टी के अंदर धसाते हैं तो इससे अपस्थानिक जड़ें निकलती है और ये अपस्थानिक जड़ें विकसित होकर नए पौधे का क्या करती है, निर्माण करती है। उसके बाद से दूसरा विधि होता है रोपण, जिसको ग्राफ्टिंग कहा जाता है। देखिए, इसमें एक पौधे के भूमिगत कटे हुए मुख्य तने अर्थात स्टाक पर दूसरे पौधों को वायु शाखा अर्थात सियान को तिरछा काट कर लगा देते हैं, उदाहरण के लिए गुलाब या बोगनविलिया। तो इसमें एक पौधे के भूमिगत कटे हुए मुख्य तने अर्थात स्टाक पर दूसरे पौधों को वायु शाखा को लगा देते हैं, फिर नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसके बाद से आपका एक है गुटी लगाना, तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें पौधों की शाखा के कुछ भाग की छाल निकाल कर गीली मिट्टी लगाकर कपड़े से बांध देते हैं, कुछ दिनों बाद इससे अपस्थानिक जड़ निकलती है और इस जड़युक्त शाखा को काट कर नए पौधे के रूप में उगा लिया जाता है, उदाहरण के लिए लीची या अनार आप लिख सकते हैं। गुटी लगाने का मतलब जाना ना कि इसमें पौधों की शाखा के कुछ भाग को छाल निकाल कर गीली मिट्टी लगाकर कपड़े से बांध देते, जिससे ये तना है उसके छाल को उधार देंगे, फिर उसके बाद से गीली मिट्टी लगा करके उसके ऊपर क्या करेंगे, कपड़ा बांध देंगे और कुछ दिनों बाद इसमें अपस्थानिक जड़ें निकलती है और इस जड़ युक्त शाखा को काट कर नए पौधे के रूप में उगा लिया जाता है, जैसे लीची, अनार इत्यादि। लीची और अनार को ऐसे ही पेड़ लगा, इसी को गुटी लगाना कहा जाता है। उसके बाद से दाब लगाना, ये भी बता दाब लगाना बता सकते हैं कि पौधों को वायु शाखा के कुछ भाग को छील कर
पास में ही गीली मिट्टी में दबा देते हैं। छिले हुए भाग से अपस्थानिक जड़ निकलती है और यह शाखा नए पौधे को जन्म देती है। उदाहरण के लिए अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी। हमने देखा कि पौधे के वायु शाखा के कुछ भाग को छीलकर पास में ही गीली मिट्टी में दबा देते हैं। छिले हुए भाग से अपस्थानिक जड़ निकलती है और यह शाखा नए पौधों को जन्म देती है। उदाहरण के लिए अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी। आपसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि लैंगिक जनन क्या होते हैं, तो आप जानते होंगे लैंगिक जनन में दो जीवों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। थोड़ा समय आपको बता देता हूँ कि लैंगिक जनन आखिर होता क्या है। देखिए, जीवों में जो होता है ना, दो जीवों के द्वारा जो जनन होता है उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। जीवों में जनन की दो प्रमुख विधियाँ होती है, एक अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक हमने पढ़ा, लैंगिक जनन इस प्रकार के जनन में दो, देखिएगा, दो जन को यानी माता पिता द्वारा उत्पन्न युग्मकों के संलयन से नई संतान का निर्माण होता है। लैंगिक जनन की श्रृंखलाबद्ध घटनाओं को तीन अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है। पहला होता है निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन के पहले कौन कौन सी घटनाएं होती है इसके बारे में। तो आइए देखते हैं निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में। तो कह सकते हैं हम लोग कि इसमें युग्मकों का संयोजन यानी निषेचन से पूर्व की घटनाएं सम्मिलित होती है, जो निम्न प्रकार होती है। पहला, युग्मक जनन। अब देखो, अगुणित लैंगिक कोशिकाएं अथवा युग्मकों के निर्माण और विभेदन की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। याद करो, युग्मक जनन में अगुणित लैंगिक कोशिकाएं अथवा युग्मकों के निर्माण एवं विभेदन की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। आगे कह सकते हैं, युग्मक उत्पन्न करने वाला जनक अगुणित अथवा द्विगुणित हो सकते हैं। मोनोरा, कवक, शैवाल या ब्रायोफाइटा के सदस्यों के पादपकाय अगुणित होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, यो मानव आदि सभी द्विगुणित होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा द्विगुणित जनक अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है, जिसमें गुणसूत्रों का केवल एक समुच्चय उपस्थित होता है। जैसे मानव में अर्धसूत्रों के पश्चात युग्मक में अगुणित 23 गुणसूत्रों का समुच्चय उपस्थित होता है। समझ गए, यही होता है युग्मक जनक। अब एक होता है जिसका नाम होता है युग्मक हस्तांतरण। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, लैंगिक जनन में निषेचन से पूर्व घटनाएं पढ़ रहे हैं, तो युग्मक हस्तांतरण में कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा या टेरोफाइटा में प्राय युग्मकों के हस्तांतरण हेतु जल आवश्यक होता है, जबकि अनावृत बीजियों और आवृत बीजियों में पराग कण के हस्तांतरण या परागण हेतु विभिन्न बाह्य स्रोत जैसे वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है। जंतुओं में युग्मक हस्तांतरण मैथुन पश्चात वृय सेचन से होता है, वृय सेचन से होता है। ये भी पूछा जाता है तो बता सकते हैं। उसके बाद से कहता है निषेचन। अब देखिए, निषेचन क्या होता है, तो देखिए आपको बताते हैं। नर तथा मादा अगुणित युग्मकों का संलयन को निषेचन कहते हैं। याद करिए, कह सकते हैं कि यहाँ पर निषेचन में कि जो नर माने पुरुष होता है, नर तथा मादा अगुणित युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं, और निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मक बनता है। और निषेचन होते हैं दो प्रकार के, आप आज ही याद कर लीजिएगा। पहला होता है बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, आपको याद भी होगा कि इस प्रकार का निषेचन जीवों के शरीर से बाहर होता है। अब नाम ही समझ रहे हैं बाह्य निषेचन में, तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के निषेचन जो होता है जीवों के बाहर होता है, इस प्रकार का निषेचन जीवों के शरीर से बाहर होता है। यह मुख्यतः जलीय माध्यम में ही होता है। उदाहरण के लिए अस्थिल मछलियाँ, उभयचरों, अधिकतर शैवाल और ब्रायोफाइटा, कवकों तथा टेरिडोफाइटा में। तो बाह्य निषेचन जो होता है शरीर के बाहर होता है। उदाहरण में आप मछलियाँ कह सकते हैं, उभयचर कह सकते हैं, उभयचर जो जीव होते हैं मेढक वगैरह, अधिकतम शैवाल होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं, कवक होते हैं, टेरिडोफाइटा होता है। और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। तो देखिए, इस प्रकार का निषेचन जीवों के शरीर के भीतर होता है। यह निषेचन साधारणतः सभी स्थलीय जीवों, अनावृत बीजियों और आवृत बीजियों में पाया जाता है। सभी प्राणियों में और बीज रहित भूणीय पादपों में नर युग्मक गमनशील होता है, और बीज युक्त पादपों में नर
युग्मक अगतिशील होते हैं और पराग नली के विकसित होने पर ही मादा युग्मक तक पहुँचते हैं। उसके बाद से निषेचन, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। अब आइए देखिए, निषेचन पष्ट घटनाएं, लैंगिक जन्म में निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं को निषेचन पष्ट घटनाएं कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा कि जब निषेचन पष्ट घटनाएं कहेगा तो कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं को निषेचन पष्ट घटनाएं कहते हैं, जिसमें युग्मनज निर्माण और भ्रूण का विकास भ्रूणोद्भव प्रमुख घटनाएं होती है। तो पहला एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है पादपों में भ्रूणोद्भव। कहेंगे कि पुष्पीय पादपों में युग्मक से भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण के विकास के लिए भोजन विशिष्ट ऊतक भ्रूणपोष संचित हो जाता है, अतः निश्चित बीजांड परिपक्व होकर बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी दौरान फल के विकास के लिए अंडाशय भित्ति को वृद्धि होने लगती है, जिससे फल भित्ति कहते हैं। एक प्रश्न होता है फल भित्ति क्या होता है, तो इसी दौरान फल के विकास के लिए अंडाशय भित्ति की वृद्धि होने लगती है, जिससे फल भित्ति कहते हैं, तथा बीजयुक्त परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। बीजयुक्त परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। उसके बाद होता है जंतुओं में भ्रूणोद्भव। जंतुओं में भ्रूणोद्भव तो कह सकते हैं जंतुओं में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मनज बहुकोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विदलन कहते हैं। संपूर्ण बहुकोशिकीय भ्रूण अवस्था तक पहुंचने के लिए युग्मनज पहले मोरूला, तब मोरूला बस्टूला तथा फिर गैस्टूला प्रवस्था में बदलता है। गैस्टूला अवस्था में तीनों जनन स्तरों का विकास होता है। तो लैंगिक जनन के बारे में कुछ बातें थी। अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे जीवन चक्र। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जीवन चक्र की अवस्थाएं, तो देखिए प्रजनन के संबंधों में जीवों के जीवन चक्र में तीन मुख्य अवस्थाएं होती है, जिसमें पहला होता है किशोरावस्था अथवा कायिक प्रवस्था। अब ये क्या होता है किशोरावस्था समझते हैं। यह किसी जीव के जीवन चक्र का पूर्ण पूर्व प्रजनन काल होता है। इस काल में जीव में तीव्रता से वृद्धि होती है और जीव के समस्त स्रोत वृद्धि और विकास में प्रयुक्त होते हैं। पूरा शरीर का इसमें विकास होता है। अब देखिए जनन प्रवस्था, तो आप जनन प्रवस्था इस काल में लैंगिक अंगों का विकास और उनकी परिपक्वता, इस काल में जो लैंगिक जनन है इसका वृद्धि और परिपक्वता विकसित होती है। जिसमें पहला पादप जनन प्रवस्था, पादप जनन प्रवस्था। लैंगिक दृष्टि से पुष्पीय पादप निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोकार्पिक। देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर मोनोकार्पिक होता क्या है। प्रश्न पूछा जाएगा कि मोनोकार्पिक क्या होता है, तो कहेंगे ये पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं। पुष्प धारण करने के पश्चात ये फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ, चावल, मैरीगोल्ड, गाजर, हेनबेन इत्यादि। तो आपने देखा कि मोनोकार्पिक क्या होते हैं, तो आपने बताया कि ये पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं। पुष्प धारण करने के पश्चात ये फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ, चावल, मैरीगोल्ड, गाजर, हेनबेन इत्यादि। उसके बाद से जो दूसरा आता है उसका नाम होता है पॉलीकार्पिक। तो ये बहुदर्शीय पादप हैं जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। उदाहरण के लिए आम, सेब, अंगूर, संतरा इत्यादि। तो कहा ये बहुवर्षीय पादप हैं, माने अगर पॉलीकार्पिक, पाली माने ही होता है बहुवर्षीय, यह बहुवर्षीय पादप हैं जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। उदाहरण के लिए आम, सेम अंगूर, आम सेब, अंगूर, संतरा इत्यादि। उसके बाद से जंतु जनन प्रवस्था, इसमें निम्न प्रवस्थाएं होती है। तो जिसमें देखिए पहला मौसमी प्रजनन वर्ष के एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं। उदाहरण के लिए मेढक, छिपकली, अधिकतर पक्षी, हिरण, बाघ आदि। सतत प्रजनन
प्रजनक में उनकी लैंगिक परिपक्वता के बाद किसी भी समय प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए दुधारू पशु, मुर्गियाँ, चूहे, खरगोश, ये सब रानी मधुमक्खी इत्यादि। उसके बाद एक होता है अपरायुक्त स्तनधारी। देखिए यह भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर अपरायुक्त स्तनधारी क्या होते हैं, तो बता सकते हैं। पहले समझिए क्या होते हैं अपरायुक्त स्तनधारी। देखिए वे मदाएँ माने अपरायुक्त स्तनधारियों में मदाएँ अंडाशय की सक्रियता, सहायक नलिकाएँ और हार्मोन्स में अपनी प्रजनन प्रवस्था के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन दर्शाती है। ये परिवर्तन चक्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋतु श्राव, या इसी को रजो चक्र कहते हैं, ठीक है ना, जिसको MC कहा जाता है। MC का देखिए पूरा नाम है, देखिए यहाँ पर लिखा गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी प्राइमेट्स जैसे बंदर, लंगूर, मनुष्य तीनों में आपके ऋतु श्राव या रजो श्राव होता है। मद चक्र जिसको अंग्रेजी में OC यानी ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। नॉन प्राइमेट्स गाय, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, चूहा इत्यादि में इसमें ऋतुस्राव नहीं होता। आइए उसके बाद से जो जीवन की तीसरी प्रवस्था है जिसका नाम आप देख ही रहे हैं और बता सकते हैं जीवनावस्था, इसी को हम लोग वृद्धि अवस्था भी कहते हैं। कह सकते हैं कि यह पश्च जनन काल होता है जिसमें जीव के शरीर के सभी देह अंगों की और उत्कों की कार्य क्षमता घट जाती है और रोग उत्पत्ति और अनियमितता का विकास होने लगता है जिससे जीव की मृत्यु हो जाती है। यानी जीवाणावस्था जिसको हम लोग वृद्धावस्था भी कहते हैं, ये पश्च जनन काल होता है जिसमें जीव के शरीर के सभी देह अंगों की और उत्कों की जो कार्य क्षमता होती है घट जाती है और जो रोग होता है उत्पत्ति और अनियमितता का विकास होने लगता है और व्यक्ति के अंत में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ये भी समझ गए होंगे आप। ये पूछा जाता है। एक और आपका हेडिंग आता है जिसका नाम होता है कि अनिष्क जनन। तो अनिष्क जनन में आप बता सकते हैं कि लैंगिक जनन में आगुणित शुक्राणु अंडाणु से संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मनज अंडाणुओं से ही संतति जीव विकसित हो जाता है। इस प्रकार के जनन को अनिष्क जनन कहते हैं। इस घटना को चार्ल्स बोमेट ने सन 1745 ईस्वी में एफिडेस में खोजा था। मधुमक्खियों में अनिष्क जनन होता है, ये चीज़ बता देंगे कि जो मधुमक्खियों में ये जनन होता है। उसके बाद से देखिए सेकेंड नंबर, अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं, पूछा जाता है आपसे। पहला प्रश्न है कि प्लाज्मोडियम में विखंडित जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियां क्या कहलाती है, तो मीराजाइट्स कहलाती है। समझ गए, तो मीराजाइट्स कहलाती है, ये आगे पूछा जाता है। तो दूसरा आपका है, देखिए क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक संरचनाएं हैं, तो अलैंगिक संरचनाओं में ये सभी आ जाएंगे, ठीक है ना, कोनेडिया आ जाएगा, कलिका, जी सब आ जाएंगे। बाह्य मुकुलन किसमें होता है, हाइड्रा में, नाम याद रखो, बाह्य जो होता है ईस्ट और हाइड्रा दोनों में मुकुलन द्वारा होता है, तो ये दोनों आ जाएंगे A और C, ये सही होगा डी इसमें, ठीक है ना। उसके बाद से कहता है कि एक कोशिकीय पादप क्लाइडोमोनास में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो आपको याद भी होगा चल बीजाणु द्वारा, भी हम लोग पढ़े थे चल बीजाणु द्वारा जनन होता है। उसके बाद से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है कि स्पाइडोगायरा में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो आप याद रखिएगा तंतुओं के छोटे छोटे खंडों में टूटने से ये होता है। कुछ और प्रश्न को हम लोग देखते हैं, एक और देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि वह लक्षण जो स्पाइरोगायरा और ईस्ट में समान होता है उसे कौन सा लक्षण कहते हैं, किसके द्वारा होता है, तो इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है इसके द्वारा। 7 नंबर है कायिक प्रजनन में नए पादपों का निर्माण होता है किसके द्वारा, तो कहेंगे आपकी कायिक प्रजनन में जो होता है तना, जड़ और पत्तियों द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, तो इसमें जो बी नंबर होगा वह सही हो जाएगा। कहता है कि आलू, अदरक, अगेव,
ब्रायोफिलम तथा जलकुंभी में पाए जाने वाले कायिक प्रवर्धों का ठीक क्रम कौन सा है? तो आपका सी नंबर सही होगा। पहले आँख, तब प्रकंड, तब बुलबिल, तब पर्णकलिका, तब आपके भू अस्तारिका होता है सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और आपके पास है। कहता है कि तना भोजन संग्रह होने से मोटे मांसल हो जाते हैं और अनुकूल वातावरण में इन पर उपस्थित अपस्थानी कलिकाएं वृद्धि करके नए नए पादपों का निर्माण करती है। उपयुक्त प्रकथन में कायिक जनन संबंधी है तो आप भूमिगत तना भी कह सकते हैं। भूमिगत तना में ये होता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है। वह विधि जिसमें कोशिकाएं और उत्को के संवर्धन द्वारा पादप प्राप्त किए जाते हैं कौन सा विधि कहते हैं? तो याद रखो सूक्ष्म प्रबंधन, इसको हम लोग सूक्ष्म प्रबंधन कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन लैंगिक जनन के लिए सत्य है? तो आपका डी नंबर, इसमें नर और मादा दोनों का योगदान होता है। बारह नंबर है कि लैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतति अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव से बहुत अधिक विभिन्नताएं दर्शाती है क्योंकि तो इसका जो विकल्प होगा बी सही होगा, क्योंकि जनकों के युग्मकों के अनुवांशिक संगठन में गुणात्मक भिन्नता होती है। उसके बाद से एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। चावल के एक पादप के नर युग्मकों के केंद्रक में 12 गुणसूत्र हैं, मादा युग्मक युग्मनिजनक और बीच के कुछ काम में क्रमशः गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो विकल्प नंबर सी सही होगा, 12, 24 और 24 दूना होती है 12 चौका गुणसूत्रों के मादा युग्मक युग्मनज और 24 और बीजों की कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी 24। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर एक और आपके सामने है, 14 नंबर। कहता है पुष्पीय पादपों में निम्न में से कौन सी घटनाएं पश्च निषेचन होता है? तो याद करो एक भूण का जो विकास होता है पश्च निषेचन में आता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है। कहता है कि अनिश्चित जनन होता है, तो आप इसमें ये में सही लिख सकते हैं मधु